निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन नहीं सीईओ पाखरे फेराद है बीजेडी बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन करजेडी राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग निकटे अभियोग कर कार्यानुष्ठान दावी करजेडी सांसद सुलता देव अभियोग कर निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन नियम लागू होता बेले उल्लंघन कर गत मार्च 30 तारीख में बालेश्वर जिला भोगराई ब्लकर नाचिंद आरुआवृत्ति एक ग्राम पंचायत रे सोलार लाइट बालेश्वर सांसद लगाई तेणु सांसद विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को बीजेडी दावी करछि। एने तथ्य सहित राज्य मुख्य निर्वाचन पक्षर अभियोग कार्यानुष्ठान दावी दोहराई बीजेडी। भारतीय जनता पार्टी जे प्रत्याशी अछंति भुवनेश्वर लोकसभा निर्वाचन मंडली श्रीमती अपराजिता षडंगी एवं भारतीय जनता पार्टी जे नेता अछंति श्री प्रशांत जगदेव सेठी उपस्थित थिले एवं सेतेबेले चर्चा आलोचना मध्यरे आपण जानिकि आश्चर्य हेबे विस्मित हेबे जे रेलवे विभाग भारतीय रेलवेज तीनि जन सीनियर ऑफिशियल्स मध्य सेठी उपस्थित थिले। प्रथम विषय होउछि आमे समस्ते जानिचे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जेतेले चालीछि आचरण विधि उल्लंघन केही करि परिबे नाही एडा इलेक्शन कमिशन स्पष्ट करिछंती। सेतेबेले तीनि जन भारतीय रेलवे इंडियन रेलवेज रो ऑफिशियल्स गोटिए भारतीय जनता पार्टी रो निर्वाचनी कार्यक्रम रे उपस्थित करि रहिबा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रो वायलेशन। से तीनि जन व्यक्ति किए से होछन श्री प्रभाकर बराल टीटीआई खोर्धा इंडियन रेलवेज खोर्धा डिविजन श्री बीबी महांती आईओडब्ल्यू खोर्धा इंडियन रेलवेज खोर्धा डिविजन एवं तृतीय होचंती श्री एसआर पटनायक टीटीआई इंडियन रेलवेज खोर्धा डिविजन। एटा होची एविडेंस जोटा आम इलेक्शन कमिशन पाखरे देइछु अपन पछवाटे देखि पारुचंती भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट भाव में कार्यक्रम समूह बिवरण रही गोटाए जिनस स्पष्ट होची कि भारतीय रेलवे विभाग एते सीनियर ऑफिशियल्स भारतीय जनता पार्टी निर्वाचनी सभा एवं निर्वाचनी कार्यक्रम रे लिप्त हवा संपूर्ण भाव दुर्भाग्यजनक से इलेक्शन कमिशन का पाखरे कंप्लेन करिछु। बाघरकोटारु बरगड़ 32 वर्ष रे पदार्पण कला बरगड़ जिला 31 वर्ष जिला गठन हेबा पर भी आज शिक्षा स्वास्थ्य शिल्प कृषि जलसेचन आदि क्षेत्र में अधा बाटे अटकी जाइछि विकास। 1993 एप्रिल 1 तारीख नुआ जिला भाव गठन है बरगढ़। यहाँ महिला स्वाक्षर भोट क्षेत्र में पुरुषों अपेक्षा वृद्धि पाई धनुजात्रा महोत्सव हो कि नृसिंहनाथ बाबा वैशाख मेला हो संबलपुरी साड़ी किंवा बांधकला हो सबु क्षेत्र में विश्व दरबार में स्वतंत्र परिचय पाई बरगढ़ जिला। बाघरकोटारु बरगढ़ सहर किंबदंती कहे तत्कालीन चौहान वंश राजा द्वारा स्थापित होता बरगड़ सहर कोलकाता मुंबई 6 नंबर जातीय राजपथ मझे रही पश्चिम ओडिशार यह सहर लोकों बहु दाबी एवं आंदोलन पर मुख्यमंत्री विजु पट्टनायक समय 1993 मसीह एप्रिल 1 तारीख में अविभक्त संबलपुर जिलूर अलग हो स्वतंत्र जिलार मान्यता पाई बरगड़। 5837 किलोमीटर क्षेत्रफल और 253 किलोमीटर घनत्व परिसर मध्य रही बरगड़ मानचित्र। 5 विधानसभा क्षेत्र सह झारबंद पाइकमाल पद्मपुर गायसलाट विजयपुर सोहेला भटली अंबाभना बरपाली भेडेन ओताबिरा एवं बरगड़ ब्लक समुदाय 12 ब्लक ने गठन होता बरगड़ जिला। जिला गठन को 31 वर्ष पूरी 32 वर्ष पाद दे बरगड़। अभ्यक्त संबलपुर जिले में थी बेले बरगड़ शिल्पर सहर कहुला नूतन जिला गठन पर शिल्प विन हो पड़ी। विगत 31 वर्ष मध्यरे अनेक क्षेत्र में बरगड़ विकास होती 16,38,000 जनसंख्या विशिष्ट बरगड़ जिले में एवं भी आहरी विकास बाट आगक ने बाकी रही। बरगड़ जिलार डेवलपमेंट से जिते बरगड़ कोऑपरेटिव आंदोलन प्रमुख स्थान ग्रहण करवर्स कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल बरगड़ समवाय चीनी कारखाना रामनगर पावर लूम ये सबु कोऑपरेटिव सेक्टर ही प्रतिष्ठित होता। कोऑपरेटिव फेलियर परे परे ये सबु कारखाना बंद हो जाए। विकास कथा जिते बेले कह आमे देखु विकास बेले टाउन भीतर रोड रास्तार विकास होटा तो मानवा पड़वा बाकी विकास बेले माने बिल्डिंग माने वही
ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛେ, ଏକଦମ୍ ଚକାଚକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛେ, ଶାଗୁଆ କଲର୍ର ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ହେଇଛେ, ବିରାଟ ବିରାଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଭିଲଟରଟା ପମ୍ପା ହେଇଛି। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ହେଉ କି ନୃସିଂହନାଥ ବାବାଙ୍କ ବୈଶାଖ ମେଳା, ଅଷ୍ଟସମ୍ଭୁ ପୀଠରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେଉ, କୁଚିପାଲିର ଯୁଗାର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ବାନ୍ଧ କଳା, ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବରଗଡ଼। ଧାନ ଏବଂ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଭାତହାଣ୍ଡି ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପରେ ବି ଆଜି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧାବାଟରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଅନେକ କାମ। ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ସରକାରୀ ମହିଳା କଲେଜ କି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସିନେମା ହଲ୍। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରା ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ରୋଡ୍ ଭଳି ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହୋଇପାରିଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବରଗଡ଼ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୁଣିଥରେ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ, ପିଲାମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଏଠିକାର ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଚାଷୀମାନେ ଉନ୍ନତ ହେବେ, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେବ, ବଜାରର ସୁବିଧା ହେବ। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିଯିବା ଲାଗି ବି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍। ଆମେ ଯଦି ଦେଖମା ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ 6 ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରୁଛନ୍। ଯଦି